ये क्या ला रहा, जल्दी ला। आ चुके हैं, रात के बज रहे हैं 11 और ये लेकर आए हैं अपने होटल, होटल है क्या ये, अपने कैफे से पिज्जा। तो अभी इसको ओपन करके, इसको आप ओपन करके देखेंगे, लेकिन ठंडा है, बहुत दूर से लाए। तो आप भी कभी जाइएगा इनके कैफे में, ये देखिए इनका नाम मेंशन हो रहा है यहाँ पर। तो मैं फर्स्ट टाइम, और ये फर्स्ट टाइम ही लेकर आए हैं अपनी कैफे से कुछ ना कुछ। दीजिए इनका कार्ड, देखिए आप ये एड्रेस देख लें आप यहाँ का। तो आप जाइएगा, और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर देना और मुझे डीएम कर देना। चलो इसकी करते हैं हम अनबॉक्सिंग। फर्स्ट टाइम इतना वीआईपी पिज्ज़ा देखा है मैंने, तो इसको मैं गरम करके उसके बाद दिखाऊंगी। ने जूते लेकर आए हैं तो हमें बता रहे हैं काफ़ी, एक ये जोड़ी है, ये हम देखते हैं इनको। ये तो मुझे तो सबसे ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है, तो इसको मुझे गर्म करना है और सीधा मुंह में जाना है। तो ये अपने जूते दिखाने में बिजी थे और हम बस पिज्ज़ा खाने में बिजी हो रहे थे, और मिले हम सुबह ही नाश्ता करते हुए, तो उनके साथ नाश्ता किया। आज है जुमा, तो जुमे की नमाज पहले पढ़ी, सारे काम छोड़ छाड़ के उसके बाद ही मिली आपसे। अस्सलामुअलैकुम, आप सभी को जुमा मुबारक। तो मैंने जुमे की नमाज़ पढ़ ली है, तो बस बाकी काम करते हैं। और आप सभी को जुमा मुबारक, बहुत दिनों बाद मैंने जुमे की नमाज़ पढ़ी, 3 जुमे की नमाज़ छूट गई थी, लेकिन आज बहुत कोशिश के बाद, और मतलब सारे काम छोड़ छाड़ के मैंने बोला पहले जुमा ही पढ़ूंगी मैं, बाकी काम सब बाद में कर लूँगी, लेकिन नमाज नहीं छोड़नी आज। तो नमाज पढ़ ली है जुमे की, बाकी काम कर लेते हैं। वैसे काम तो हो गए, अभी मुझे जाना है बाहर बैंक के काम से, मैं वहाँ जाती हूँ, बच्चों को खाना खिला देती हूँ, बच्चे स्कूल से आ गए हैं, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, तो अभी मैं जा रही हूँ मेरे कपड़े डालने टेलर को, तो आपको कौन कौन सी ड्रेस है वो भी बता देती हूँ आपको। तो चलो बताती हूँ आपको, तो इसको बताती हूँ पहले आपको ओपन करके। ये सूट है, एक ये सूट है, इसका ये दुपट्टा है। कैसा लग रहा है सनाया? अच्छा। सनाया मेरी वीडियो बना रही है, तो ये मेरे पास कलर नहीं है, अभी तक नहीं पहना है मैंने, पर्दों में आना लेती हूँ। चलो इसको साइड कर दें दुपट्टा, दुपट्टे में कोई काम नहीं है टेलर के पास। अरे ये है, ये थान के कपड़े हैं, तो ये देखिए ये है इसका कुर्ता और ये इसका प्लाजो। तो मैं इसकी पैंट प्लाजो आती है ना, वो चौड़ा वाला नहीं सिलाऊंगी, तो ये मतलब सब बिक गया, सेल हो गया था, तो मैंने सोचा मैं बचा हुआ, मैं अभी कोई ग्राफ भी नहीं आ रहा है। और ये है पिंक मेरा फेवरेट, और मीसा के पापा का भी फेवरेट है ये, और मेरा तो बहुत ही ज़्यादा। तो मैं इसका सिलाऊंगी पटियाला सूट या फिर प्लाजो, वो खुद बता देंगी मेरे को अच्छी है वो। बाजी जो सीती है टेलर है, बहुत प्यारे कपड़े सीती है मेरे। एक ये है इसका, मैं सलवार कमीज ही सिलूंगी सिंपल सा, और ये कुर्ता है, सिर्फ कुर्ते का ही कपड़ा है, तो इसको कुर्ता सिला लेंगे। और एक ये है, ये जोधपुर का माल है, जोधपुर से लेकर आई थी मैं। तो ये है दुपट्टा, फिर से दुपट्टा ओढ़ के दिखा रही थी, इधर करो कैमरा में, सुनाया है कैमरा में आज की। ये देखो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसका भी मैं सलवार सूट ही सिलाऊंगी, पटियाला को सिलेगा नहीं क्योंकि कपड़ा बहुत कम है सलवार को, इसको भी रख देते साइड में। तो ये इसका कमीज है, ये इसमें अस्तर जाने वाला है, ये देखिए कितना पतला है ये, तो इसमें अस्तर जाएगा। और ये इसकी सलवार है, ये टॉप ये बॉटम, चलो ये भी हो गया है। और एक ये है, ये दुपट्टा इसका सिंपल सा है, तो ये बताना ये भी कैसा, इसको मैं ओढ़ के नहीं दिखाने वाली। ये इसकी सलवार, ये इसकी कमीज, वो बिन के एक इसका और एक इसका और एक इसका, अस्तर लेते हुए जाना है मेरे को। तो मैं, तो चलो मैं इनको अच्छे से
थैली में डाल लेती हूँ और फिर चलती हूँ बाजार। बाजार के बाद पहले इसका इनका स्तर लेना है नीचे का, तभी ये सिल पाएंगी। बार बार चक्कर हो जाएंगे और कुछ काम भी है बाजार में, वो भी करना है मेरे को। चलो उनको पैकिंग कर लेंगे। आपको इनमें से कौन सा सूट अच्छा लगा जरूर बताइएगा। ये मायर तो सो रहा है, मैं चली बाजार। कालू है, ये मेरे कपड़े हैं। और हम जा रहे हैं सनाया मीशा में वो कपड़े डालने और कुछ सामान लेने। और ये भाई देखिए, भाई पूछ रहा कहाँ जा रही है, और भाई अपने काम में लगा। और ये देखिए खून नहीं है, ये गेट का कलर है। मंडी छोड़ो जो सुन बोल। तो हमारे यहाँ बैंगल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, यानी आज दो सूट के तो अस्तर मिल गए इनके, लेकिन एक का नहीं मिला तो बाद में देखेंगे। आज जो काम था वो निपटा कर आ गए आते टाइम। हमें भुट्टा खाने की इच्छा हो रही थी, बारिश में बहुत अच्छा लग रहा था करके। घर आते टाइम आ गई बारिश, ये देखी और सुनाया ले रही है भुट्टे का मजा, सब खा रही है भुट्टा खाते हुए जा रहे हैं घर पर। ये देखिए हमारी नसीब इतने अच्छे हैं, तब भी घर से निकलो तब भी बारिश आ जाती है। तो चलो कोई नहीं, चलते हैं घर। और ये देखिए सरकारी स्कूल हो गई छुट्टी, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अनीशा को भी यहीं डालेंगे। ये देखिए हाँ जी, तो बहुत तेज बारिश आ गई थी रास्ते में, तो बेटे वाले भैया ने रोक लिया और हम यहाँ खड़े होके एंजॉय कर रहे थे। बारिश बहुत ही तेज पूरे भीग गए। हाँ जी, तो मैं बाजार होकर आ गई थी और बारिश आ गई थी रास्ते में, तो फिर उसके बाद मैं करने लग गई थी पैंट। ये देखो भाई पीछे से, अभी मैं भी चाय पेंट किया है बाहर का थोड़ा सा, ज्यादा नहीं किया है। देखो घर थक कुछ भी नहीं करा, कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। तो चलो अभी मैं चाय पी लेती हूँ, बिल्कुल आपसे बात। क्या ला रहा, जल्दी ला। कौन है इसके अंदर? इसके अंदर प्ले बटन है, देखते हैं इसको। ये क्या कर रही है? तो झूले 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 झूले। हाँ जी, तो गाइस ये मेरा भाई मेरे को इतनी देर से परेशान। एक मिनट, हेलो गाइस। हाँ तो आजी, तो गाइस ये मेरे से एक घंटे से जिद बहस कर रहा है कि तू ये ब्लॉग क्यों बन क्यों देखती हूँ और क्या मिलता है, कोई नाटक बना। तो मैं आज का वीडियो यही एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ इसी के इस भाई के साथ मिलूंगी। आप बताना हम दोनों का फैसला कौन सही है और कौन गलत। अभी मैं करती हूँ व्लॉग की एंडिंग, क्योंकि आ चुके हैं मीशा के पापा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए और दो में याद कीजिए। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर कर ले। क्या हो गया अंशु, ये कैसी शक्ल बनाई आपने?
ड्रामा क्वीन। ये देखिए, ये देखिए इसका फेस देखिए आप, देखो तो सही इसको। ये नाटक करते हुए पकड़ी गई है, ये देखो, ये देखो, ये देखिए इसको। क्या नाम है आपका, नाम बताओ। कच्चे बरियान में फिर पकड़े गए बहुत दिनों से बाबूराव आप्टे, फिर हेरा फेरी के हमारे तीन घर में है, अक्षय, शेट्टी और प्रेस रावल। तो ये है अक्षय कुमार। हाँ, जिस देर रात को इतनी तेज बारिश आई घर में पूरा पानी पानी, पेंट खराब हो गया है। तो आज हमारे पिंक सिटी जयपुर में बहुत तेज बरसात आ रही है, तो इसको देखो, ये हमारे घर के ऊपर बहुत सारा पानी ढेला हो गया है। तो करीबन 15 मिनट हो गए हैं बरसात को, अभी तो देख सकते हो आप। बिस्तर को बचाना है, ये देखिए, क्योंकि काम इसको करना पड़ेगा, इसलिए ये आपका आसान काम कर रही है, पर ये भीग गए हैं कपड़े और सब। ये भाई ने, ये हमारे भाई ने नाल